वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज सडनली हमारी ट्रिप प्लान हो चुकी है और पहले हम इसके बारे में डिस्कस नहीं कर पाए। हम अभी जा रहे हैं भुवनेश्वर उड़ीसा और हमारे साथ है मिस्टर के आज़ाद परिंदा। तो अभी एयरपोर्ट पे जा रहे हैं हम, बाकी बातें वहीं पे पहुंच के करेंगे। आधे घंटे के अंदर हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। वैसे तो रद रहते हैं नेशनल हाईवे 8 पे, लेकिन सुबह का टाइम था इसलिए हम 30 मिनट्स के अंदर हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। और अभी हमारे दो फ्रेंड और आ रहे हैं, जैसे वो आते हैं फिर हम अंदर चलते हैं। किसकी टीम है अपनी? इंडिया की भाई। साउथ अफ्रीका खेल का ही है अपनी हॉकी की टीम भाई। अभी फ्लाइट में बैठ चुके हैं, थोड़ी देर में रवाना होंगे उड़ीसा के लिए, भुवनेश्वर के लिए। बाहर का सीन है, आप लोग देखिए। यहाँ पे चल रहा है लंच, देखिए क्या क्या मिला है हमें खाने के लिए। पराठा, आलू गाजर की सब्जी लगे हुए हैं, लंगर चला हुआ है। हमने पिया है नारियल पानी और अभी फिर निकल रहे हैं होटल के लिए। ये है मिस्टर के उधर मिस्टर पंकज यादव एंड प्रदीप सैनी। अभी हमें और ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि बीच में दो एंट्री पॉइंट थे पुरी में घुसने के, वहाँ पे पुलिस खड़ी हुई है, वो कह रही है बाईपास से निकाल दे रही है, अंदर एंट्री नहीं होने दे रही, रीज़न का तो हमें पता नहीं। तो अभी हमें 10-12 किलोमीटर दूर और घूम के आना पड़ेगा बाईपास के थ्रू। अभी 2:05 हो गया, 2:05 और पहुँचना था हमें 1:30 तक। अब देख ले हमारी स्पीड धीमी होती जा रही है, कल 2 करीब फ्लाइट है। आप होटल पे जाके पता चलेगा कि आगे क्या प्लान है। दोस्तों पुलिस ने हमारा रास्ता रोका लेकिन उसका हमें एक बेनिफिट मिला, अभी हमें समुंदर के किनारे किनारे से अंदर जाएंगे तो आपको भी दिखा देते हैं थोड़ा सा नज़ारा। फाइनली पहुंच गए हैं अपने होटल में। तो फाइनली आपको बार का व्यू दिखा देते हैं, उसके बाद लेके चलते हैं आपको रूम के अंदर। फ्रंट फेसिंग सी व्यू और अभी हम जा रहे हैं रूम के अंदर। ये बालकनी है इधर। मे आई कम इन? यस। रूम देख, ये तो भाई मुंह है वो है और ऊपर की लाउंज है। रूम देखो, आते आने गया हम शाम। अभी तक मैं जितनी भी वीडियो शूट किया अभी तक वो सब बिना माइक के शूट किया, हो सकता है आपको वॉइस में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही हो, लेकिन अभी हम जा रहे हैं मंदिर में अपना सामान रख के और चलते हैं अभी।
मंदिर में जाके मिलते हैं। मंदिर के अंदर शूट करना अलाउ नहीं है, तो पहुँचते हैं। फाइनली हम पहुँच गए हैं मंदिर के पास, और अभी यहाँ से जाना पड़ेगा पैदल। आगे पर्सनल व्हीकल या कॉमर्शियल व्हीकल अलाउ नहीं है, यहाँ पे काटे जा रहे हैं चालान। नहीं ये तो नहीं है, ऑटो 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 कॉमर्शियल में ही आ गया। नहीं तो अभी मैं दिखाता हूँ, अगर है तो ऑटो अंदर नहीं, जो भी सवारी है वहाँ पे है मंदिर, तो चल के करते हैं दर्शन। मिस्टर केके, हाय, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। एक काम की बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो रथ यात्रा होती है ना, इसी रोड से होती है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे बीच में डिवाइडर नहीं लगाया हुआ है। इसी वजह से जब रथ यात्रा होती है तो ये बीच के जो बैरिकेटिंग है ये हटा दिए जाते हैं, और काफ़ी चौड़ा रोड हो जाता है, काफ़ी भारी मात्रा में भीड़ होती है यहाँ पे। यहाँ पर है, यहाँ पर एक और ज़रूरी सूचना, मंदिर के अंदर ना ही मोबाइल ना ही कैमरा वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं है। कोविड सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लेके आना ज़रूरी है, जो हम नहीं लेके आए, तो अभी यहाँ पे निकलवा रहे हैं, 10 रुपये में प्रिंट आउट करके देंगे। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो कोविड सर्टिफिकेट साथ में लेके आओ, जूता चप्पल और आपके साथ जो भी है मोबाइल कैमरा वगैरह सब कुछ। यहाँ पे काउंटर बने हुए हैं, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाता, लेकिन सब कुछ आपको यहीं पे छोड़ के जाना पड़ेगा मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो मंदिर के अंदर की वीडियो हम शूट नहीं कर सकते, और आपको दर्शन करने के बाद दोबारा मिलते हैं। कार्ड भाई, कार्ड। यहाँ पे सबसे ज्यादा मिठाई का मिलता है, ये मीठी मट्ठी होती है। बाकी अभी पेट में लग चुकी है भूख, और करते हैं थोड़ी सी पेट पूजा, उसके बाद आपको मिलते हैं। बाहर से आपको दर्शन करा देता हूँ मंदिर के, देखो दोस्तों। चलते चलते हम पहुँचे हैं गोवर्धन मठ में, तो कोशिश करेंगे जहाँ तक हम आपको दिखा पाएंगे। ये इंडिया में 4 मठ हैं, जिनमें से एक मठ ये है। चारों मठों की स्थापना शंकराचार्य जी ने की थी। ये कुआ है, इसमें अभी भी पानी अवेलेबल है, 15 फुट की गहराई पे, बस मात्र 15 फुट की गहराई पे। न्यूली पेंटेड मंदिर है, बड़ा अच्छा लग रहा है। वही है अभी? नहीं नहीं, बाहर बनारस। अच्छा, वो बनारस रहते हैं, मठ ये है अभी। हाँ। इस पीठ के शंकराचार्य वही है। हाँ।
गोवर्धन पीठ, भद्रिका ज्योतिर्पीठ, गरग शारदा पीठ, कर्नाटक श्रृंगेरी पीठ, पुरी गोवर्धन। चलते चलते दोस्तों आ चुके हैं समुद्र किनारे और एक बार आप नज़ारा देखिए। बैटरी डेड हो गई सर। ये वन साइड है, इधर से ले लिया सर। सैंड आर्ट जो मैंने दिखाया है वो इन सर ने बनाया है, आप अपना इंट्रोडक्शन कराओ सर। मैं तरुण नायक हूँ और मैं प्रत्येक दिन पूरी बीच में सैंड आर्ट डेमोन्स्ट्रेशन करता हूँ और पूरी में आते हैं पर्यटक, इनका भरपूर आनंद लेते हैं, इसका सहयोग मुझे मिलते हैं, थैंक यू। तो अगर आप पूरी बीच घूमने आ रहे हो तो यहाँ पे आके इनके सैंड आर्ट का आनंद लें और इनको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर करें जिससे ये आके इतने सैंड आर्ट यहाँ पे करते रहें। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है तो आज की वीडियो